हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग बुलाई थी और उस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी मिनिमम बनी थी और वो था दो बातें थी उसमें, एक शहर में और हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति बनाना और नंबर दो है कि जो दो मुख्य कारोबार हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, एक पर्यटन का और दूसरा सेब का, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने और वो अनुकूल वातावरण तब बनेगा जब पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। और मेरा भी मानना ये है जो तनाव हुआ होगा चंद दिनों का होगा, आज वो समाप्त है और इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जो घूमना चाहते हैं आए शिमला में, आए हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, आए हिमाचल प्रदेश की आवाम, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे और जो सेब के कारोबार में भी शामिल है उनको भी हम कहना चाहते हैं आप अपना कारोबार करें और यहाँ पर पूरा वातावरण आपके कारोबार करने के लिए भी अनुकूल है। पिछले 4-5 दिनों में हम सब लोग मिलकर, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, जन संगठनों के लोग और जो इस शहर के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके अलावा जो हमारे कुछ प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग इस शहर को जो है अमन और सौहार्द को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक प्लेटफॉर्म का गठन किया जिसको आप लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता के बीच ले जाने का काम किया। वो प्लेटफॉर्म है शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में शिमला के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिसको ना तो शिमला का इतिहास गवाही देता है, ना शिमला का जो आम जन है वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कारोबार से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, जो यहाँ पर लंबे समय से रहता आया है, वो जो आम शहरी इस शिमला शहर का है, वो इस प्रकार की घटनाओं और इस प्रकार के हालात को कभी भी जो है उसका न समर्थन करता है, ना ही उसके जो है वो यहाँ पर जो है उसको सहन करने का वो रखता है। और आपने देखा है 175 साल से ज्यादा शिमला नगर निगम का इतिहास है, शिमला देश के दूसरी सबसे पुरानी नगर निगम और उसका इतिहास है। आज तक यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता के तौर पर, जाति के तौर पर कोई भी ऐसा उपद्रव या दंगा उस इतिहास में नहीं। तो इसी को लेकर कि हमारा शहर जो लंबे समय से, सदी से ज्यादा समय से हम सब लोग जो है, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा है ना, तो वो सब लोग हम मिलकर इकट्ठे हुए और हमने कहा कि हम एक मार्च करेंगे 27 सितंबर को पूरे शहर के अंदर जो है। और आज आपने देखा है शहर का हर वर्ग जो है इस मार्च के अंदर, इस नेतृत्व मार्च का नेतृत्व करने के लिए जो है यहाँ पर आया है। मैं आप तमाम लोग जो है यहाँ पर कुछ चेहरे आपको दिख रहे है ना, जिसमें है ये मनोज जी हैं हमारे जो पूर्व में महापौर रहे, राकेश सिंगा विधायक रहे, दीपक सानंद सीनियर IAS ऑफिसर है ना, डॉक्टर चेतन सिंह ये डायरेक्टर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के, ये अष्टा जी हैं, ये अजय शर्मा जी है सीनियर IAS है और प्रोफेसर्स हैं यहाँ काफी, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के जो है, मैं नाम काफी सारे हैं और भी हैं, अष्टा जी है यहाँ सोशल एक्टिविस्ट है आम आदमी पार्टी से भी, मतलब डिफरेंट है और है और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आज आप देख रहे हैं है ना, हाँ ये है। तो हम आज इस मार्च के माध्यम से इस शहर की जनता और पूरे प्रदेश एक अपील करना चाहते हैं कि ये शहर शांत लोगों के है और इसका एक इतिहास है और ये शहर ना केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक शहर और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर जो है
लाखों की संख्या में हर साल पर्यटन आता है और वो हमारे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा भी। तो हम आज इस 20 मार्च के माध्यम से सभी से अपील करते हैं, पूरे देशवासी से, प्रदेशवासी से, इस शहरवासी से, कि हम आपसी सौहार्द भाईचारा जो है उसको बनाए रखें। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो है लंबे समय से हम कई पुश्तों से, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये जो कुछ तरह का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है माहौल को खराब करने के लिए, हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस तरह का जो माहौल है वो शिमला शहर की जनता ने ना 1984 में जब सिख का दंगा हुआ, सब लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर आपस में सब धर्मों के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, डिफरेंट जो लोग थे, डिफरेंट जो राजनीतिक विचार के लोग थे, उन्होंने इस शहर में कोई भी दंगा होने से रोका। 1990 के अंदर भी अगर आप देखें, जब वो मंडल का यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब उस समय में देश के अंदर जो है काफी सारे जो राज्य थे वहां पर बहुत वो था, तो उस समय भी यहाँ पर स्वार था, उस समय पर यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी। तो आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आज शहर की जनता, आज देखेंगे आप अक्रॉस दी सेक्शन यहाँ पर आई है, सभी बुद्धिजीवी लोग और आम जनता यहाँ पर आई है, शहर से बाहर का आज कोई भी नहीं है। हम सब जो है इस अपील को, और हमें उम्मीद है प्रदेश की जनता, शहर की जनता जो है इसको करेगी, और आने वाले समय में हम जो है, हम राज्य सरकार से भी अपील करते कि आप सभी समुदाय की जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उनको रक्षा करें, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो देश के अंदर जो है किसी को भी अमन शांति से रहने का, कारोबार करने का, व्यवसाय को करने का, अपनी बात को रखने का ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। और मैं समझता हूँ कि हम सब प्रदेशवासी, शहरवासी पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, जिस तरह से अभी तक स्वार्थ रहा है वो रहा है, और हम आज जो लोग आए हैं विभिन्न वर्गों को अपना काम को छोड़कर, इन सब लोग जो है हम आने वाले समय में जो है इस तरह का इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएंगे और जो है इसको सौहार्द और उसके लिए हम कायम करेंगे। शांति प्रिय राज्य है हिमाचल प्रदेश, अब बावजूद इसके क्या जरूरत पड़ गई कि लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड एक नाम से बनाने पड़े, एक डेट से बनाने पड़े, साथ साथ नाम बदल के लोग रह रहे हैं? देखें आप, ये शायद जो है ये प्रश्न मेरे स्तर पे जो है डील किया नहीं जा सकता। संविधान के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार ने इसका दायित्व पुलिस विभाग को दिया है, इसको लेकर जो है वो किए जा सकते। मैंने आज सुबह जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं एसपी, उनका एक आप लोगों के माध्यम से जो बाइट आया है, उन्होंने उस आधार कार्ड के स्टैंड को क्लैरिफाई किया, मेरे ख्याल से वो बेहतर है, आप लोगों ने उसको प्रसारित किया है, और जितनी मेरी समझ है इसके बारे में मैं उससे लगभग जो है उनके वक्तव्य से संतुष्ट। ये तो पुलिस का पक्ष है, लेकिन पुलिस का पक्ष नहीं है, सरकार का पक्ष है। नहीं नहीं, वो पुलिस का पक्ष है जी, जो बहुसंख्यक समाज है, क्या आप लोग उनके उनके खिलाफ है जो कर रहे हैं, उनको आप भीड़ करार दे रहे हैं, और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक प्रदर्शन भी है, एक चीज समझ नहीं रहा हूँ, बहुसंख्यक समाज है कौन है आपके अलावा यहाँ नहीं खड़े, ये कौन सा समाज है, ये अल्पसंख्यक समाज है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आया आपका प्रश्न सिंटा जी, ये बताओ ना इसमें कौन सा वो है। इसको मेरे ख्याल से इस डिबेट को ना करें, शिमला शहर मैंने परसों भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ ना केवल देश से दुनिया के लोग यहाँ पर आजादी के समय से यहाँ पर बसते हैं और वो एक समरसता, एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में रहते हैं। ये सब लोग जो है हम किसी के खुशी और गमी में हम ये नहीं देखते कि ये अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, हम सब लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। आप भी कई शादियों में हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, कई जहां पर वो फ्यूनरल होते हैं वहां पर वो अक्रॉस दी सेक्शन होता है, ये प्रश्न यहां पर नहीं उठ सकता है, यही संदेश हम यहां पर देना चाहते हैं। मार्च कहां से कहां तक? मार्च होगा हमारा ये उपायुक्त कार्यालय सीटीओ चौक से लेकर नाज, और फिर हम जो है थोड़ी देर के लिए शांति प्रिय तरीके से महात्मा गांधी जहां पर उनका वो जो स्टैचू स्थापित है वहां पर एक बहुत शांत तरीके से हम जो है वहां पर सब लोग जाएंगे। प्लीज एक मिनट, दीपक जी, चेतन जी और लोग भी हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल अधिकतर बातें सारी संजय जी ने बहुत ऊपर अच्छे तरीके से सारी बातें रख दी। मार्च कम्युनल हारमोनी के लिए है, मार्च उस सारी जो एक तरह से कुछ हद तक माहौल क्रिएट सृजित करने की कोशिश की गई उसके खिलाफ है कि हमें
विभाजित किया जाए, बांट के देखा जाए हमारे समाज को, इसके खिलाफ है। और मार्च कोई किसी एक तत्व के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, मार्च एक पॉजिटिव है, एक कम्युनल हार्मनी के लिए। और मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट में इसको देखा जाए और सोचा जाए कि मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विश्लेषण करके संजय जी ने बताया कि क्या हमारा इतिहास रहा है हिमाचल का, क्या शिमला का, और किस प्रकार हम इस सबसे हम वो माहौल नहीं बनना देना चाहते जो हमारे एक आध पड़ोसी राज्यों में बन चुका है या बनाने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं चाहते कि ऐसा यहाँ हो। हमने ये माहौल कायम रखा है हमेशा, और ये जो नए एक तरह से प्रयास हैं उनको हम विफल करवाने की दिशा में ये एक मार्च है कि सभी लोग एकजुट होकर चले। देखिए, इसमें बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मालूम है क्या हो रहा है। इसमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सबको मालूम है क्या स्थिति उत्पन्न की जा रही है, कौन उसके पीछे है, और कैसे हमने इसका सामना भी करना है और इसको विफल करना है, वो भी हमें मालूम है, और हम सब इसमें एकजुट हैं। मनोज सबसे पहले तो मैं जो पिछले दिनों शिमला में घटा, संजौली में घटा या और जगह घटा, वो बहुत शर्मनाक था। संजय जी ने सब कुछ बताया कि मार्च किस लिए है। शिमला में आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें भी काफ़ी 60-61 साल शिमला में हो गए हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। एक गाना आया था, हिंदू हैं हम, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। मेरा सबसे अपील रहेगी, शिमला वासियों से अपील रहेगी, जिस प्रकार से शिमला के लोग शांति प्रिय हैं वैसे ही शांति बना के रखें। बाहर के जो तत्व शिमला में आकर अभी पीछे संजौली में उत्पात मचाया, उनकी बातों में ना आए और शिमला में शांति बनाए रखें, यही मेरी अपील है। सबने बात रखी है ना। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह मट्टू है, बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ मैं। जय भीम जय संविधान। ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, ना कि नफरत से चलेगा। शिमला हमारी राजधानी है और पूरे विश्व के मानचित्र पर प्रसिद्ध है। यहाँ आज तक संजय चौहान जी ने और मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर आज तक कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना है जिसमें कि दो समुदायों में आपसी तकरार पैदा हो जाए। और शिमला का इतिहास रहा है कि यहाँ पर आज तक इस तरह का कोई भी गलत तरह का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो आपसी हारमनी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए। यहाँ पर जितने भी शिमला के प्रबुद्ध लोग हैं, जिसमें बहुत सारे IAS है, IFS है, वो सभी लोग आए, यहाँ किसी एक समुदाय के लोग नहीं आए हैं, यहाँ सभी समुदाय के लोग आए, वो लोग आए हैं जो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं और जो जानते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, जहाँ पर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने खाने पीने का अधिकार है, और जहाँ तक कानून की व्यवस्था, जो कानून ने काम करना वो कानून करेगा, लेकिन ये देश चलेगा तो मैं एक ही कहना चाहूँगा, संविधान से चलेगा, जहाँ सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और इस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर जो लोग सभी हैं संविधान को मानने वाले हैं, एक आपसी सौहार्द और शांति के लिए हम आए हैं, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिमाचल को आप खराब ना करें। हिमाचल एक बहुत प्यारा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर हम आपसी भाईचारे से रहते हैं और आगे भी इसी तरह रहते हैं। जय भीम। हिमाचल इनका करा दो। मेरे तो मैंने ऑलरेडी हम लोग तो बात कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो आप लोग, जैसे कि हमारे एक साथी भी पूछ रहे थे, अगर आप इस विश्व में आए हैं और सनातन जो हमारे को सिखाता है कि विश्व एक हमारा एक परिवार है, तो सबसे पहले मुझे इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि एक इंसान होने के नाते इस पृथ्वी पे मेरे भी कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य हैं मानवता के प्रति। दूसरा मेरा फर्ज है इस देश के प्रति, तो कि इस देश को अगर कायम रखना है तो हमारे को ये चीज़ें उत्पन्न नहीं होने देनी है। अब जब तीसरी जगह पे जब वो आता है, जिस दिन हमारे उस पे जितनी, अगर आप सोचते हो कि अगर इतना ही खतरा हमारे धर्म पे, सनातन पे या देश पे आएगा,
तो उस दिन भी जो बाकी लोग अपने आप को सनातनी समझते हैं उनसे ज्यादा हम लोग सनातनी हैं, और हम लोग तो उस दिन भी खड़े होंगे, लेकिन एक पढ़े लिखे होने के नाते और एक चिंतक होने के नाते समाज के प्रति, और ये जो चीजें हैं समाज के लिए, शिमला का नाम बदनाम हो रहा है, हिमाचल का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी आकर के बाहर से आकर के वो चाहते हैं कि उसको उनको किस लोगों ने किन लोगों ने भेजा है, अगर वो लोग भी आ रहे हैं क्यों सौहार्द यहाँ पे खराब करना चाहते हैं जा करके। आम आदमी जब वहाँ पे बैन है एंट्री तो वो जा करके वीडियो वहाँ से जारी कर रहे हैं ताकि एक पोलराइजेशन हो, एक जो विशेष समुदाय के उनको भड़काया जा सके। हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि इतना वो है, ठीक है सबको आवाज रखने की अपनी एक आजादी है, तो उन्होंने एक हम लोगों ने सबने हमारे हम लोग क्योंकि वहाँ के स्थानीय निवासी है तो हमने अपना रोष एक प्रकट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे सिचुएशन एक है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक उस जगह पे जब है तो उसको प्रशासन देखेगा। अगर मैं मान लीजिए उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ तो क्या मुझे हाथ में कानून को लेकर के भिड़ जाना चाहिए किसी से? तो वो देश में नहीं हो सकता है, और हर देश में का एक कानून है और उस कानून के तहत बहुत सारे संविधान में भी सबको हम लोगों ने राइट्स दे रखे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है हमारी के जाएं। ये लोग सारे लोग जो हैं आज लिखे हैं, चिंता एक इस बात की होती है कि मारपीट किसी भी उसका समस्या का समाधान नहीं है, और मैं तो धन्यवाद करता हूं आप लोग आए और सभी और लोग आ जाएंगे। सिंगा जी को प्लीज एक बार जिस तरह के मस्जिद विवाद की बात यहाँ तक पहुँची है और आप आज शांति मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो आज हम एक मिनिमम प्रोग्राम पर हैं और मैं समझता हूँ मैं उस मिनिमम प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। देखो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग बुलाई थी और उस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी मिनिमम बनी थी और वो था दो बातें थी उसमें, एक शहर में और हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति बनाना, और नंबर दो है कि जो दो मुख्य कारोबार हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, एक पर्यटन का और दूसरा सेब का, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने, और वो अनुकूल वातावरण तब बनेगा जब पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। और मेरा भी मानना ये है जो तनाव हुआ होगा चंद दिनों का होगा, आज वो समाप्त है, और इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जो घूमना चाहते हैं आए शिमला में, आए हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, आए हिमाचल प्रदेश की आवाम, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे, और जो सेब के कारोबार में भी शामिल है उनको भी हम कहना चाहते हैं आप अपना कारोबार करें और यहाँ पर पूरा वातावरण आपके कारोबार करने के लिए भी अनुकूल है। इतनी बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद किरू है, मेरा नाम मोहम्मद किरू है और मैं कुतुब मस्जिद का पट्टी जाएंगे। आज आए हैं आप, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, जैसे हम पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल है, वो भी दोबारा वापिस लाना चाहते हैं। हमें किसी से कोई ये नहीं है भाई ये हिंदू है मुसलमान है, यहाँ कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमेशा शांति शांति का माहौल रहा है और हमेशा शांति ही रहनी चाहिए। आपको लगता है कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं? हमारे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वेरीफाई होनी चाहिए और पुलिस द्वारा उनकी तस्दीक होनी चाहिए कि बंदा पिछले का माहौल क्या है और कहाँ से आया, क्या करके आया, क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कोई बाहरी तत्व ऐसा आ जाए कि आके यहाँ का माहौल खराब करे या माहौल खराब करने की कोशिश करे।